हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ दो मिठाइयों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो झटपट से बन जाती हैं और काफ़ी टेस्टी भी होती हैं। चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में आधा चम्मच घी लिया है। घी लगाने से रबड़ी चिपकती भी नहीं है और झटपट से गाढ़ी भी हो जाती है। अब हम इस पैन में आधा लीटर दूध लेंगे। ये मैंने फुल फैट दूध लिया हुआ है। दूध को गरम करेंगे हम और जैसे ही दूध में उबाली आएगी मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, जिससे कि रबड़ी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और हमारी रबड़ी थोड़ी जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। आप चाहें तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर वगैरह का इस्तेमाल कर सकती हैं दूध को जल्दी गाढ़ा करने के लिए। देखिए दूध में उबाली आ गई है, मलाई आने लगी है इसमें और ये धीरे धीरे गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। इसी स्टेज पर मैं 4 से 5 चम्मच चीनी इसमें ऐड कर दूंगी। इस रेसिपी के लिए हमको थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी और क्रीमी टेक्सचर की रबड़ी चाहिए, इसलिए हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इससे मलाई नहीं जमेगी, हमको इसके लिए मलाईदार रबड़ी नहीं चाहिए। इसी तरह से चलाते हुए हम अपनी रबड़ी को गाढ़ा कर लेंगे। देखिए अब रबड़ी में गाढ़ापन आ गया है, हमको इतनी ही गाढ़ी रबड़ी चाहिए। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। मैंने 2 से 3 इलायचियों को कूट कर इसमें डाला है। अब हम इसको चला देंगे और 1-2 मिनट और उबालेंगे। इस रबड़ी में से अब हम थोड़ी सी रबड़ी अपनी मलाई रोल के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि उसके लिए हमको वाइट कलर की रबड़ी ही चाहिए। और बची हुई रबड़ी में हम थोड़ा सा येलो कलर ऐड करेंगे। येलो कलर के लिए चाहे मीठा हो या नमकीन, मुझे हल्दी बेस्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि कलर में कुछ ना कुछ केमिकल होते हैं, जबकि हल्दी टेस्ट और हेल्थ दोनों के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। अब हम हल्दी को रबड़ी में अच्छे से मिला देंगे और उसे चलाते हुए 1-2 मिनट और उबालेंगे, जिससे कि रबड़ी में हल्दी के कच्चेपन का टेस्ट ना आए। देखिए हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें थिकनेस और बढ़ गई है इसकी, हमको ऐसी ही रबड़ी चाहिए। अब मैं इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड कर देती हूँ। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकती हैं। मैंने अभी सिर्फ इसमें कटे पिस्ते और बादाम लिए हुए हैं। अब हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 100-125 ग्राम खोया लिया हुआ है। मैंने इसमें पूरा खोया लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें आधा खोया और आधा पनीर से स्टफिंग बनाएंगे तो वो बहुत टेस्टी लगती है। इसमें मैं कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने ऐड किया है, जिससे कि हमें रसमलाई का जो क्रीमी टेक्सचर हो वो मिल सके। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकती हैं। ये मेरी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम अपनी रसमलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने वाइट ब्रेड लिए जो एकदम फ्रेश है। मैंने अभी 4 से 5 ब्रेड ली हुई हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ब्रेड का इस्तेमाल कर लें। इसके लिए अब हम इसके किनारे काट देंगे। आपको इसमें ब्रेड का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ब्रेड एकदम फ्रेश लें, जिससे कि आपको इसे फोल्ड करने में आसानी होगी और इसे जल्दी से टूटेगा नहीं। ब्रेड अगर फ्रेश नहीं होता है तो ब्रेड फोल्ड करते टाइम टूट जाता है। मैंने इसमें दूध से ब्रेड को सॉफ्ट कर लिया है चारों तरफ से। इसी तरह से आप पलट पलट के इसमें उतना दूध डालें इससे ब्रेड सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो इसमें दूध की जगह जो हमने येलो रबड़ी बनाई हुई है उसे भी आप इसको लगा के सॉफ्ट कर सकती हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा खोया रखेंगे और इसको चारों तरफ से अच्छे से बंद करके आप इसको धीरे धीरे फोल्ड करें तो ये आसानी से फोल्ड हो जाता है और रसमलाई का शेप भी इसका आसानी से आ जाता है। देखिए हमारी एक रसमलाई बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसी तरह से अपनी
और भी रसमलाई बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम अपनी रसमलाई सर्व कर लेते हैं। इन रसमलाइयों पर हम जो हमने येलो कलर की रबड़ी बनाई हुई थी उसे अच्छे से डाल देंगे, जिससे कि पूरी तरह से कवर हो जाए। अब हम अपनी रसमलाई को थोड़े से कटे हुए पिस्ते और बादाम से सजा देंगे। मैंने इसमें कुछ गुलाब की पत्तियां भी डाली हैं। हमारी रसमलाई खाने के लिए एकदम तैयार है। अब हम अपनी दूसरी मिठाई के लिए एक ब्रेड लेंगे, जिसके हमने किनारे काट दिए हैं, और उसको अच्छे से बेल लेंगे। अब हम इस ब्रेड पर येलो रबड़ी को चारों तरफ फैलाते हुए लगाएंगे, और इसकी स्टफिंग के लिए मैंने दो गाजर को एकदम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके इसे दूर में पका लिया था, उसमें चीनी मिक्स कर दी थी। इसमें मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि इसे हम ठंडा सर्व करने वाले हैं और घी डालने पर मुंह में घी चिपकेगा तो वो अच्छा नहीं लगता। आप भी इसकी स्टफिंग इसी तरह से बना लें। और हम हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए इसको रोल कर लेंगे। ये बड़ी आसानी से रोल हो जाते हैं, और एक बार रोल होने पर ये खुलते नहीं हैं। देखिए, मैंने इसको हल्के हाथों से रोल कर लिया है, ये आसानी से रोल हो गया है। देखिए, हमारा एक रोल बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं अपने बाकी रोल तैयार कर लूँगी। अब हम सारे रोल पर अच्छे से रबड़ी लगा देंगे। हमें ये रबड़ी चारों तरफ बहुत अच्छे से लगानी है, जिससे कि सारे रोल अच्छे से कवर हो जाएं। और रबड़ी लगाने के बाद हमें इनको 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देना चाहिए, जिससे कि ब्रेड रबड़ी को अच्छे से सोक कर लें और सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद हम इन पर नारियल का बुरादा लगाएंगे। नारियल का बुरादा भी हमें थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में लगा देना चाहिए, जिससे कि इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हम इनको कटे हुए पिस्ता और बादाम से सजा देंगे। गाजर की स्टफिंग होने के कारण आप ये ना सोचें कि इन रोल में आपको हलवे का टेस्ट आएगा। आपको ये रोल ज़रूर पसंद आएंगे, आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।